सुप्रभात, मेरा नाम अमरीश राजपूत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आज मैं आपको एक देशभक्ति नारी की कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई है। सिंहासन है उठे राजवंशों ने मृत्यु की तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। पर्ची डाल कृपाण कटा थी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव उसके सराय झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेल को फिरदलित सो वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदती हुआ सौभाग्य मुदती महलों में उजियाली छाई, किंतु काली गति चुपके चुपले काली भट्टा घेर लाई। तीर चलाने वाले हाथों में उसे चूड़िया कब भाई, हुई रानी विधवा हुई है नीत को दया भी न आई। नी संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। जय हिंद जय भारत।